अरे फेसबुक लाइव पर दोस्तों, रात के 12 बजे सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने यहाँ पर शराब पीकर सारे बेरोजगारों को यहाँ पर उठाकर ले गई है और यहाँ पर एक भी महिला पुलिस कर्मी भी नहीं थी और महिलाओं को भी जबरदस्ती दारू पी के घोटाला कर रहे हैं। इन लोगों को जेल में नहीं बंद कर सकते, लेकिन इन बेरोजगारों को करेंगे जो आवाज उठा रहे सरकार के खिलाफ। आगे 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 अलग तो नहीं करेंगे ना ये। अरे ना अलग प्लीज भाई, जो बाहर बहुत है उनसे बोलो कि कल का मूवमेंट के लिए तैयारी करो। बाहर भी बहुत है मेरे को भी लेके चलते अंदर। मैंने तो बोल दिया मेरी गाड़ी ले गई, मैंने फिर बोल दिया था छोड़ो यार। दोस्तों यहाँ पर सभी को लगभग जो है गिरफ्तार कर दिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे बेरोजगारों को अब जबरन जेल में ले जाया जा रहा है। लेकिन कल का जो प्रदर्शन होगा वो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि बड़ी संख्या में कल आप सबको एक बार फिर गांधी पार्क में आना है और बड़ी संख्या में आना, सबको आना है, क्योंकि इनके बस के जो नकलची हैं उनको कभी ये गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन बेरोजगारों को गिरफ्तार कर देंगे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये हिटलर है या मुख्यमंत्री है? और आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ जियान धामी मुर्दाबाद 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 जियान धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ग्राउंड में छोड़ेंगे, वही नारे मारते रहना है, बैठे रहना है और बस सीधे कल धरना स्थल पर। जब तक वापस आता है ये मुख्यमंत्री आवास के बन जा रहे। किसके साथ हुआ? किसके आपके साथ हुआ? हमें धक्का दे रहे थे, मैंने बोला शराब पी के बात कर रहे हो तो क्या ना मेरे मुंह में झांके थे, हमसे क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, शराब नहीं आ रही है बिल्कुल भी। बट मैंने तो ये भी बोला था वुमन पुलिस किया तो मैं एक भी उठा लोगी लड़कियों को भी एक पुलिस और इतनी बदतमीजी से बिना 112 नंबर बंद है, जिन्होंने नकल करी वो अभी तक जेल में नहीं पहुंचे और हम पे सारा जोर चल रहे लोग। ये है धामी सरकार का बिल्कुल असली चेहरा है ये उत्तराखंड पुलिस का असली चेहरा, जिसमें महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी की है। तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ये किसी काम के नहीं है, निकम्मे है, नालायक है। ना ना सर्वे चौक इधर नोटिस के या बिना कोई कागज के यहाँ पर युवाओं को बिना महिला पुलिस को लाए, यहाँ पर लड़कियों के साथ उन्होंने बहुत ही सख्ती की, बहुत बदतमीजी की और इस तरीके से उनको गैर कानूनी तरीके से उठा करके ले जा रहे हैं। और इस बेरोजगार संगठन का जो मुख्य चेहरा है बॉबी पवार, वो कहाँ पर है, किस गाड़ी में है और किन पुलिस वालों के साथ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रात के 2 बजने वाले हैं तो हमको बॉबी पवार के लिए भी संशय हो रहा है। तो मेरा इस प्रदेश के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी अपने बच्चों के लिए जिन्होंने वो सपने देखा है, मेरा उन सबसे ही अपील है कि कल बेरोजगार संगठन ने फिर से कॉल की है 10 बजे की, आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और बेरोजगार संगठन को अपना सहयोग दीजिए। और मेरा जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मेरा उनसे भी ये निवेदन है कि ये वो मौका है जब आपको उत्तराखंडी बनकर के आगे आना है, तो आप लोग भी आइए और उत्तराखंडी बनकर इन बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ खड़े होइए। और बेरोजगार संघ के पेज से जाएंगे आगे लाइव। नाना अभी नहीं जब वहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद कल के लिए अपील करनी है बेरोजगार संघ, सभी अभिभावक, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, कल सुबह 10 बजे आपको गांधी पार्क में पहुंचना है। सुबह 10 बजे
ये ले जा रहे हैं वहीं एकता विहार। हाँ एकता विहार ले जा रहे क्या? एकता विहार ही ले जा रहे हैं। हाँ एकता विहार ही ले जा रहे हैं। कोई नहीं एकता विहार ठीक है, वहीं रात बात बना। दोस्तों बॉबी भाई का भी कुछ पता नहीं है कौन सी गाड़ी में उनको ले जा रखे है, तो ये संशय भी जाहिर करता है कि बॉबी पवार भाई अभी फिलहाल कहां पर है। और कल सुबह सभी को 10 बजे गांधी पार्क में सभी को पहुंचना है। प्रदेश के जितने भी बेरोजगार हैं सभी को पहुंचना है और अपनी ताकत दिखानी है इन जाहिलों के खिलाफ, इन दलालों के खिलाफ। आपको आगे आना होगा। बॉबी भाई को अभी कोई जानकारी नहीं है कि कौन सी गाड़ी में ले गए हैं, क्योंकि और अगर थोड़ी देर तक बॉबी भाई को पता तो कल जन सैलाब आना चाहिए। कल गांधी पार्क में कल जन सैलाब आना चाहिए, पता लगना चाहिए इस निकम्मी सरकार को कि इसने किसके साथ पंगा लिया है। और आप सबको वहां पर आना है, परीक्षाएं तो होती रहेंगी। ऐसी परीक्षा देके फायदा क्या है? और सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है कि पुलिस कर्मी शराब पीकर आ रखे थे, महिलाओं के हाथों को जबरदस्ती पकड़ा गया यहाँ पे और उनको जबरदस्ती खींचा गया, अंदर डाला गया। ये महिला पुलिस कर्मी की संख्या भी कम देखी गई, बिल्कुल नहीं थी, एक भी नहीं थी। और जो पुरुष पुलिस कर्मी है उन्होंने ही जो है यहाँ पर महिलाओं को, जो हमारे साथ महिला साथी है, महिला परीक्षार्थी है, उनको जबरदस्ती अंदर इन्होंने जो है गाड़ी के बैठाया है और खींच कर उनके हाथों को, और शराब के नशे में धुत, एकदम शराब के नशे में धुत थे ये पुलिसकर्मी। इनका मेडिकल होना चाहिए, अगर ये बेरोजगारों को ऐसे फेंकते हैं तो इनका मेडिकल कराना चाहिए। सुबह हम इनका नाम का खुलासा भी करेंगे, नाम का खुलासा करेंगे कौन थे ये नेम प्लेट, बहुतों की नेम प्लेट भी नहीं थी कि कौन थे ये, इसलिए हम पहचान भी नहीं पाए उनको, लेकिन हमारे कई साथियों ने उनको पहचाना है। बच्चों को गालियां भी दे रहे थे ये। अंदर बैठा रखा था कल के लिए एकदम ऐलान करना है। आ जाएंगे और कल जो भी भाई लोग कोचिंग जाते हैं देहरादून में, करणपुर में पढ़ते हैं, उनको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे गांधी पार्क में आ जाइए। देखिए आगे कई गाड़ियां जा रही है और सारे जितने बेरोजगार हैं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है एक तरह से, और या तो फिर धरना स्थल को ले जाया जा रहा है। लेकिन पुलिस की करतूत, पुलिस प्रशासन की करतूत आज सबके सामने खुलकर आ चुकी है। पुलिस नहीं है, सब पुलिस है।
इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। जो भी भाई लोग देख रहे हैं कृपया शेयर कीजिए और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी बच्चे जहां जहां से हैं कल सबको गांधी पार्क पहुंचना है, क्योंकि आज जो पुलिस ने प्रताड़ित किया है यहां पर वो तस्वीर आज आप सबको कल भी देखने को मिलेगी और अभी भी देखें, अभी भी आज पूरी रात वो तस्वीर आप देखेंगे। रोशन का पता नहीं यार, महिलाओं को धक्का दिया गया है, उनके हाथ जबरदस्ती को अंदर फेंका गया है और जो साफ आरोप है कि पुलिसकर्मी जो है नशे में धुत थे, शराब के नशे में धुत थे। यही बंद कर देते हैं सरदार रोड, अभी प्लान बनाते आगे का। कहाँ ला रहे हैं यहाँ ये एक तैयारी जा रहे क्या ले जाए पहुँच तो गए, जैसे ही उतारते हो वैसे वो नारे लगा रहे हैं। दोस्तों फिलहाल एकता विहार ले जाया जा रहा है सारे बेरोजगारों को। लेकिन इतनी रात को 12 बजे इतना अत्याचार, वो भी उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ। अरे कहाँ है कतू रही गाने कानून मुजफ्फरनगर कांड भाई। अरे दारू पी के कौन आता है यार, दारू पी के कौन आता है, चलो हमें ले जा रहे हो, दारू पी के कौन आता है भाई, सही बात, जबरन बल का प्रयोग बिना नेम प्लेट, बिना नेम प्लेट। मीडिया बॉय बैंक में छुपा देना चाहिए, लास्ट में कराऊंगा बॉय बैंक को छुपा देना चाहिए। कोई बात नहीं यार, अरे इतना होता है नहीं, कल कल चलो पैदल मार्च, कल होगा पैदल मार्च, जो लोग उनको आज घसीट रहे हैं ना कल उनको सैल्यूट करेंगे। अरे मैं तो ये चाहता कल का बड़ा इम्पोर्टेंट, सिर्फ किसने जीत तो। अरे खोल दो अब, अरे गर्मी हो रही भाई साहब, खोल दो, शाही पानी पिलाओ। आपने तो दारू पी रखी होगी, आपको कहाँ लगी गर्मी, क्या यार यहाँ तो कुछ नहीं है बेचारे, इनकी दारू पी के आ रही है, क्या दारू पीने वाले को नहीं लगती भाई गर्मी आपको। जब गेट टूटा ना गेट टूट गया क्या, अंदर गेट अच्छा वाली सुनो, वो जो पेज से लाइव गया ना वाला वो लाइव भी सेव कर देना, जो लास्ट में गेट टूटने वाला है। अच्छा अंदर तो खतरनाक हुआ अंदर, अरे मुझे तो पहले ले गए सारे, अरे हम तो खाना खाने गए थे यार, सही टाइम पे आएंगे रोशन का है, रोशन लेंगे ना वैसे नारे कॉपी भाई के साथ एक एक मिनट रुकिए, बोलो यार हम तो आपने अंग्रेजों ने साला दिया इतना मौका कि चलो खोल रहे खोल रहे रुक जाओ।
आगे ना वही आगे ना कहाँ पर है गिरफ्तारी वाला दिखाना गेट टूटने वाला इससे पहले आया होगा यार गेट टूटा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद करता है करता है जब्ती करता है पुलिस को आगे करता है धामी जब्ती करता है पुलिस को आगे करता है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अरे चलो हो गया यार, अब क्या करें पुलिस वाले सही नहीं, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जाओ मारो गिरफ्तार हो गए ना, घर जाना है नाम लिखेंगे पर हमारे महिलाओं के साथ नाम लिखेंगे पुलिस वाले नशे में धुते हैं, आपको यकीन न हो तो मेरा तो यहाँ पीछे पूरा छिला है यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तीन चार महीने में मेरे बाजू में डायरेक्ट बात नाम लिखो क्या डायरेक्ट उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के बोले में इलेवर्सी दो बोला मैं मेरे बच्चों को सपोर्ट के लिए आ रहा हूँ हम बता नहीं सकते, हम यहाँ रात के 12 बजे एक तब यार शहजारा रोड टाइप का शहजारा शहजारा रोड दूसरी गाड़ी वो कैसे पकड़ दूसरी ऐसी गाड़ी एक और मैम पता नहीं अभी तो इन्होंने जल्दी कर रखा है, पता नहीं क्या करेंगे उसको नाम जैसे मैंने वही मतलब दारू हाँ यही बैठे हैं भैया के साथ, और मैम कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं है यहाँ पर और हाँ खाली जेंट्स एक तब यार है नहीं अरे वो भी सबर करना है गाड़ी में तो हम उनके नाम ना पहचान पाए हाँ मैं गाड़ी के अंदर ही बैठो महिला अरे यहाँ ले तो गए यहाँ जो शांति का है यहाँ पे एकता विहार में हेलो अभी तो पहुँच गए ना एकता विहार में तो हम तुम कहो मैम इन्होंने गाली पार अरे तो अभी खोला नहीं ना गेट हम रास्ते में एकता विहार कौन कौन तुम लोग कौन कौन उठाया इन लोगों ने अभी हमें एकता विहार मेरी चप्पल उठा ली।